हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके स्टूडेंट, टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अवर रिमेनिंग चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज स्केच। अ स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ प्लेस हैविंग सिंबल्स ऑफ इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स अराउंड द प्लेस। ओके, नेक्स्ट इज प्लान। अ प्लान इज अ डिलेटेड ड्राइंग और स्केच ऑफ अ स्मॉल एरिया मेड बाय व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप एरियल व्यू। इट मे बी ऑफ अ हाउस, अ मार्केट और अ रेजिडेंटल एरिया। इट इज ड्रॉन ऑन अ पेपर। ओके, जो ये प्लान रहता है इसका स्केच बनाया जाता है स्मॉल एरिया में व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप एरियल व्यू। इट मे बी ऑफ अ हाउस, ये जो बनाए जाते हैं ये हाउस का रहता है, मार्केट का रहता है, रेजिडेंटल एरिया रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें घर बनवाना है, उससे पहले हम मैप बनाते हैं ना कि यहाँ पे इतने रूम रहेंगे, यहाँ पे स्टेयर्स रहेंगी, यहाँ पे किचन रहेंगी। ओके, तो वो यही है, वो मैप बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट मैप। अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अ लार्ज एरिया विथ प्रॉपर मेजरमेंट्स। इट हैज अ स्केल। अ स्केल हेल्प अस टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बट एट स्मॉल लेवल्स। फॉर एग्जाम्पल, अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर मे बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। ओके, यस। नेक्स्ट, डू यू नो अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। ओके, जो मैप्स की बुक रहती है उसको क्या बोलते हैं? एटलस। ओके, नेक्स्ट इज सिंबल्स यूज्ड इन मैप्स। जो सिंबल मैप्स में यूज्ड होते हैं, जो साइन रहते हैं, वो कौन से रहते हैं? सिंबल्स आर द इमेज और साइन दैट। ओके, जो सिंबल्स रहती हैं, इमेजेस रहती हैं और साइंस रहते हैं, दैट इंडिकेट्स साइनिफिक और इज अंडरस्टूड एज रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया। ऑब्जेक्ट और रिलेशनशिप ऑल कम्युनिकेशन इज अचीव थ्रू टू द यूज ऑफ सिंबल। लुक एट दिस पिक्चर। दिस सिंबल इज एयरपोर्ट, दिस सिंबल इज फ्यूल स्टेशन एंड दिस सिंबल इज स्कूल, दिस सिंबल इज टैक्सी स्टैंड and this symbol is church, this symbol is hotel. Okay student, next is words of remember. Landmark, a feature of a town that is easily recognized from a distance. Landmark ka use kaise hota? Feature of a town that is easily recognized from a distance. Okay, sketch, a rough drawing of a place. Sketch ka matlab hum kisi प्लेस की रफ ड्राइंग करते हैं। ओके, कंपास, अ डिवाइस यूज टू डिटरमाइन ज्योग्राफिक डायरेक्शन। ओके, मैप, अ ड्राइंग ऑफ अ लार्ज एरिया ऑन अ प्लेन सरफेस। ओके, नेक्स्ट इज ब्रश अप। लोकेटिंग अ प्लेस मीन्स टू फाइंड द प्लेस वेयर वन हैज टू गो। द फोर मेन डायरेक्शन आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। Direction help us to locate place. A sketch is a rough drawing of a place. A plane is a dilated drawing of a small area. A map is a drawing of a large area with a proper measurement. Okay. Yes. Next. Okay, student. Today we read half chapter. Okay. So your homework is read this and draw the picture of symbols like this and write their names, okay, in your notebook. आपको इन symbols की picture अपनी notebook में draw करनी है और उनके name लिखने हैं. Draw this picture like this, then you can write here name. Okay, airport, fuel station, school, taxi stand, church, hotel.
ओके तो ये आपको पिक्चर्स ड्रॉ करनी है और इनके नेम लिखने इन योर नोटबुक. ओके स्टूडेंट, यस नाउ टाइम टू से बाय 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 स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे.